बात करने वाला हूँ कॉपीराइट स्ट्राइक के बारे में। कॉपीराइट स्ट्राइक क्या होती है, कैसे होती है, कब आती है और कैसे हम अपनी कॉपीराइट स्ट्राइक को हटा सकते हैं। तो दोस्तों जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है दोस्तों तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ये जरूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों बिना समय गवाए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि YouTube पर आपका चैनल टर्मिनेट होने का जो मेन रीजन होता है वो होता है कॉपीराइट स्ट्राइक। आपके चैनल को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है ये कॉपीराइट स्ट्राइक। बट दोस्तों कॉपीराइट स्ट्राइक होती क्या है? कॉपीराइट स्ट्राइक वो होती है दोस्तों जब आप किसी का वीडियो उठा करके आप अपने चैनल पर डाल देते हो या किसी का म्यूजिक उठा करके अपने चैनल पर डाल देते हो ज्यादा व्यूज पाने के लिए, अपना थ्रेशोल्ड अचीव करने के लिए। तो ऐसे में क्या होता है दोस्तों, वो वीडियो जिसकी होती है या वो म्यूजिक जिसको होता है अगर वो परमिशन नहीं दे रहा है आपको अपने वीडियो में यूज करने के लिए तो वो आप पर कॉपीराइट स्ट्राइक क्लेम कर सकता है। तो दोस्तों ऐसे में होता क्या है कि आपके चैनल पर एक कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है। तो दोस्तों अगर आप ये देखते हो कि यार ये कॉपीराइट स्ट्राइक तो फेक है, यानी कि मैंने तो ऐसा कोई कंटेंट अपने वीडियो पे अपने चैनल पे यूज किया ही नहीं है, इस वीडियो पर जिसमें उसने कॉपीराइट स्ट्राइक क्लेम किया है ये तो पूरा ओरिजिनल मेरा कंटेंट है, या कि अगर मैंने ये चीज यूज किया भी है तो मैंने उस यूजर का यूज किया है, मीन्स मैंने जिस बंदे का यूज किया है उसने स्ट्राइक नहीं डाली है, मुझे किसी थर्ड पार्टी ने स्ट्राइक डाली है। तो ये स्ट्राइक क्यों, ये तो फेक स्ट्राइक हुई ना, मीन्स जिसका चैनल है ही नहीं वो मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक कैसे दे सकता है। तो ऐसे में दोस्तों आप इस कॉपीराइट स्ट्राइक को आप काउंटर कर सकते हो, इस कॉपीराइट स्ट्राइक को हटा सकते हो। तो कैसे हटा सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, बस अपने यूट्यूब चैनल पर जा करके आपको करना क्या है दोस्तों कि अपने जो आपका चैनल होता है उस पर जहाँ पर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक और कॉपीराइट स्ट्राइक शो होती है, बस आपको यूट्यूब को मेल करके उस मेल पे आपको ये बताना है कि ये जो वीडियो की लिंक है इस पर मैंने पूरा मेरा ओरिजिनल कंटेंट है, मैंने किसी का भी वीडियो का कोई भी पार्ट या कॉपीराइट का वायलेशन मैंने नहीं किया है, कॉपीराइट पॉलिसी का वायलेशन मैंने नहीं किया है, ये पूरा का पूरा मेरा ओरिजिनल कंटेंट है। तो मेरे पर ये जो कॉपीराइट स्ट्राइक आई है वो एक फेक स्ट्राइक है, ये ओरिजिनल नहीं है, मेरा कंटेंट प्योरली एकदम प्योर था। तो दोस्तों ऐसे में होगा क्या, YouTube आपका एक हफ्ते के अंदर अंदर वो कॉपीराइट स्ट्राइक को हटा देगा और जिस भी बंदे ने आपके चैनल पर वो क्लेम किया था कॉपीराइट स्ट्राइक डाली थी तो उस बंदे का चैनल दोस्तों टर्मिनेट हो जाएगा। YouTube की स्ट्रिक्टली पॉलिसी होती है कि अगर आप कॉपीराइट स्ट्राइक दे रहे हो तो अगर ये स्ट्राइक फेक हुई तो हम आपका चैनल टर्मिनेट कर देंगे। दोस्तों एक्चुअली लोग करते क्या है, जो भी छोटे यूट्यूबर्स होते हैं 2,000-5,000-10,000 सब्सक्राइबर्स होते हैं, मेनली ऐसे लोग उन यूट्यूबर्स को ही टारगेट करते हैं 2,000-5,000-10,000 वाले सब्सक्राइबर्स वालों को, उनको करते क्या है एक कॉपीराइट स्ट्राइक दे देते हैं और बोलते हैं कि आप हमारा हमें 2,000 रुपए दो, 3,000 रुपए दो, 10,000 रुपए दो तब हम आपके कॉपीराइट स्ट्राइक वापस लेंगे। और जो न्यू यूट्यूबर्स होते हैं वो ग्रो करने की लालच की वजह से या इतनी मेहनत कर चुके होने की वजह से वो बस उनको पैसा दे देते हैं। पैसा दे देना गलत नहीं है दोस्तों, ठीक है आप दे दिया, आपने एक बार छुटकारा पा लिया, बट क्या गारंटी है दोस्तों कि वो आपके ऊपर दोबारा कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं डालेगा। तो ऐसे में आपको YouTube को मेल करना ही सबसे सही तरीका, सबसे जेन्युइन तरीका है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरी बनाई हुई ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी बनाई हुई वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे ये जरूर बताइए कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों से मुलाकात होगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।